नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं विकास खंड बिजुआ, यहाँ ग्राम पंचायत पल्हनापुर। यहाँ पे कोटेदार का चयन किया जा रहा है, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है जो कोटेदार का चयन किया गया था, उसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे जो है अभद्रता की गई थी, जिसमें उसका जो है चयन निरस्त कर दिया गया था। आज फिर एक बार यहाँ पे जो है कोटेदार चयन प्रक्रिया फिर से एक बार चालू की जा रही है, जिसमें चार थानों की यहाँ पे पुलिस आई हुई है, भीरा मैलानी, गोला और पलिया की यहाँ पे जो है पुलिस उपस्थित है। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे पुलिस बल भी उपस्थित है और यहाँ पे कई ऐसे अधिकारी हैं मौजूद हैं। यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत के प्रधान और यहाँ पे कई भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पुलिस बल उपस्थित है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ये यहाँ पे पहली बार ये जो कोटेदार चयन प्रक्रिया चालू होने जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर पे जो है सबके साइन अंगूठा लगवा लिया गया है और उसके बाद में अभी यहाँ पे हाथ उठवाए जाएंगे, जिससे यहाँ पे जिसके पक्ष में यहाँ पे दो कोटेदार आवेदन किए हैं, दो लोग खड़े हुए हैं और दोनों लोग यहाँ पे जो है खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक का जो है चयन प्रक्रिया में नाम आना है और यहाँ पे एक को जनता चुनेगी। अब देखो जनता किसके तरफ यहाँ पे ज़्यादा हाथ उठाती है और किसको यहाँ पे अपना कोटेदार जो है कोटेदार यहाँ पे चयन करती है। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे आइएगा, हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पे हमको लाइव तस्वीरें, यहाँ पूरे जितने लोग उपस्थित हैं उनकी लाइव तस्वीरें यहाँ पे जो है दिखाई जाएँ। और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे अभी जो है कोटेदार का चयन किया जाएगा और पुलिस बल भी हमारे साथ मौजूद हो। यहाँ पे जो अधिकारी आए हुए हैं उनसे हम कुछ जानकारी अभी लेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले ये चयन प्रक्रिया चालू हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे निरस्त क्यों किया गया था और क्या समस्याएं रहीं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले भी ये हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे निरस्त कर दिया गया था। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है सर लोग हैं उनसे हम पहले जानकारी लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। मैं यशवंत सिंह, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विकास खंड बिजुआ जी। यहाँ पे बताइए सर, पहले भी एक बार अभी 23 तारीख को हुआ था ये? हाँ, कोरम पूरा नहीं हुआ था इसलिए बैठक निरस्त कर दी गई थी। आज जो है पुनः बैठक है सर। कोई समस्या नहीं थी, कोरम बैठक नहीं पूरा हुआ था। तो यहाँ पे और सर हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर पहले अपना नाम। संजीव श्रीवास्तव, ADO ISB। तो आज सर यहाँ पे जो है कोटेदार का चयन किया जाएगा, इसमें क्या मतदान तरीके से होगा या हाथ उठवाए जाएंगे? इसमें काउंटिंग होगी लाइन वार, जैसे जो दो प्रत्याशी हैं दोनों प्रत्याशियों के समर्थक अलग अलग बैठा ले गए हैं और एक एक सदस्य की काउंटिंग होगी। फिर उसके बाद काउंटिंग के बाद जिसके पक्ष में ज़्यादा मत होंगे उसको विजेता घोषित किया जाएगा। तो इसमें तो सर खुला खिलाफत का मतलब रहा सर, इसमें अगर जो हाथ उठवाए जाएंगे तो खिलाफत तो नहीं कोई सर? नहीं, खिलाफत क्या, वो तो सब खुला हो रहा है, इसमें कोई छिपा तो है नहीं कुछ। तो हमारे साथ यहाँ मैडम, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कौन से पद पे हैं। पहले मैडम अपना नाम। ग्राम पंचायत अधिकारी दुर्गेश नंदिनी नाम जी। यहाँ पे मैडम पहले भी एक बार हो चुका है ये? हाँ, कोरम नहीं पूर्ण हो पाया था जिस वजह से निरस्त हो गई थी बैठक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहले कुछ समस्याएं रही, ये तब नहीं हो पाया था, आज यहाँ पे फिर से एक बार होने जा रहा है, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे है कोटे का जो कोटेदार जो यहाँ पे प्रत्याशी थे वो हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। पहले अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद है जी। ये बताइए आपको कितने यहाँ पे मत मिले? हमको यहाँ 351 मत मिले हैं सर। अच्छा अच्छा जी। यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए थे? दो प्रत्याशी थे, हम थे और दूसरी पार्टी का रंजीत था। अच्छा, उनको कितने मिले? उनको 279 वोट मिले, हम 72 वोटों से विजयी बने हैं। अच्छा, ये जो पहले भी एक बार हो चुका है चयन प्रक्रिया, उसमें क्या समस्याएं रही जो नहीं हो पाया था, आज फिर से हुआ? उसमें सर ऐसा था कि कोरम नहीं पूरा होता, दूसरी पार्टी जो आई थी वो मान लो लफड़ा किया और चले गए, हमारी पार्टी बैठी रही, उसी में कोरम नहीं पूरा हुआ था, उसी वजह से वो मीटिंग कैंसिल की गई और ये पार्टी आज की जो 3 तारीख थी इसमें दोबारा चुनाव हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो प्रत्याशी, दो लोग यहाँ पे प्रत्याशी चयनित थे, लेकिन आज यहाँ पे
फिर वही हुआ जो पहले यहाँ पे एक बार हो चुका है। यहाँ पे पहले भी यहाँ पे जितेंद्र कुमार को विजयी बनाया गया था, आज फिर यहाँ पे जो है जितेंद्र कुमार को ही विजयी बनाया गया है। आप लाइव तस्वीर हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी जो है, दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं इनको कितने मत यहाँ पे मिले हैं और कितने दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिले हैं। पहले अपना नाम बताओ। अनूप सिंह। अच्छा, ये बताइएगा आपको कितने मत मिले हैं? हमें मिले हैं 351। 351 और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी 251 नहीं 279 ये यहाँ पे पहले भी एक बार हो चुका है, जो इसमें क्या समस्याएं रही थी? जो पहले हुआ था उसमें क्या समस्याएं रही? अब यहाँ पे मतलब जो पहले हुआ था तो यहाँ पर मतलब वीडियोग्राफी को लेकर के एक फर्जी पत्रकार यहाँ पे आए थे, अपने आप को पत्रकार कह रहे थे, ना तो अथॉरिटी लेटर था ना ही आइडेंटिटी कार्ड था, फर्जी पत्रकार बन के यहाँ कवरिंग कर रहे थे। कई लोगों पे उन्होंने फर्जी मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। इसी को लेकर के उनसे मतलब जो वही मतलब विवाद करना स्टार्ट हुआ, तभी जो है एक पक्ष यहाँ से शांतिपूर्वक चला गया था। स्टाफ यहाँ पे मौजूद, मतलब स्टाफ के अतिरिक्त जो क्रिमिनल आदमी है उनको मंच पे बिठाया गया था। तो हम जी हम लोग इसी का ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि जी धर्मेंद्र सिंह यही पलनापुर जी अनूप सिंह के भाई हैं सर जी। नहीं सर विवाद नहीं, लेकिन यह है रात में प्रधान लोग जो क्रिमिनल आदमी उन मतलब धमकाते हैं, धमका के वोट मांगा है। बहुत लोगों को ऐसा है कि रात में मतलब भगा भी दिया, कहा कि ना मेरे पक्ष से आना ना मेरे पक्ष से जाना। ये मतलब यहाँ पे दबंगई का माहौल ज़्यादा है। जो प्रधान है वो मतलब काफ़ी दबंगई की तरह मतलब यह सब काम करते हैं सर। प्रधान तो लेडीज है, उनके जो मतलब परिवार के लोग, हाँ प्रधान पति और यह ससुर जो बांकेलाल तिवारी हैं वो हिस्ट्री सीटर या मतलब रह चुके हैं। अच्छा। जी का जी जी जो परिवार है वो काफ़ी दबंग टाइप के हैं, वो मतलब दबंगई से वोट मांगते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी नहीं बनने देंगे, शौचालय नहीं बनने देंगे, जो सरकारी योजना उनसे वंचित कर दिया जाएगा। ये जो हुआ है सरासर गलत हुआ है। ये पंचायत भवन का नाम लेकर के वो वन विभाग की चौकी है उसमें कराया गया है। ये कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट के अधीन चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे आप लोगों के पास सारे साक्ष्य सबूत हमने कवरिंग किया। यहाँ पे वन विभाग की चौकी है, पंचायत भवन को सिर्फ यहाँ पे मतलब बनाया गया। पंचायत भवन कहाँ है और मतलब यहाँ पे मीटिंग कहाँ हुई है, बैठक कहाँ हुई है? हाँ, तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है कई बार, मतलब एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को भी सूचित किया गया कि सर यहाँ पंचायत भवन में ना होकर जहाँ पे वोटिंग होती है स्कूल में, वहाँ पे ये मतलब बैठक होनी चाहिए। लेकिन यह सर गलत तरीके से किया गया है, इससे मतलब हम लोग इसका विरोध करते हैं सर। तो हमारे साथ यहाँ पे और ग्रामीण है, उनसे भी जान। हमारा नाम शिवालक सिंह। ये बताइएगा यहाँ पे जो आज कोटा जो है, कोटे का यहाँ पे चुनाव हुआ, ये आप इससे सहमत हैं? सहमत तो नहीं, दबंगई से हुआ है, जैसे वो दबाव डलवा करके और उनको जैसे बहुत से आए नहीं, हमारी पार्टी के आए ही नहीं, धमकाया उन्होंने। अच्छा। वो सीटर आदमी है जिसे उसको डरते हैं। कौन? वही प्रधान जो है मौके का इस समय। अच्छा। मौजूदा। क्या नाम है? बांकेलाल तिवारी, उनकी बहू है, हेड वही है। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो है कोटे का चुनाव हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे ग्रामीण उपस्थित हुए थे। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है ग्रामीण उपस्थित हुए थे और आप यहाँ पे कुछ ग्रामीण चले भी गए हैं, लेकिन कुछ ग्रामीणों का यहाँ पे आरोप है कि यहाँ पे जो है धमका के और उनको धमकी दी गई, जिससे यहाँ पे फिर से एक बार पहले भी 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें कुछ विवाद बन गया जिससे यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन आज फिर यहाँ पे जो है चुनाव हुआ। तो यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। पहले अपना नाम बताओ। जयेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद ग्रंट। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पे जो कोटे का जो आज सिलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सही हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पे जो प्रधान लोगों को धमका के डरवा के यहाँ पे मतदान अपने पक्ष में कराए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस फोर्स थी, कोई भी विवाद नहीं हुआ। विवाद किया तो विपक्ष वाली टीमों ने, जो कर रहे हैं इस समय, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ, व्यवस्थित और सुरक्षित इलेक्शन हुआ। तो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों का जो है मत है कि यहाँ पे डरा धमका के चुनाव हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे जो जीती पार्टी है उसके अभी यहाँ पे उम्मीदवार जो हैं जितेंद्र कुमार वो जीते हुए हैं, लेकिन वो पहले भी उन्हीं को जनता सपोर्ट कर रही थी, आज भी उनको ही जनता सपोर्ट कर रही। तो आप देख रहे हैं सीटीवी इंडिया न्यूज़, देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।